नमस्कार, म्यूचुअल फंडू चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे कि उन्हें अपने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को लेकर किस तरह का रुख अख्तियार करना चाहिए। इसीलिए आज का विषय है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स अ वे अहेड। आज के टॉपिक को हम तीन भागों में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम बेंचमार्क इंडेक्स परफॉर्मेंस निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। सेकंड, आउटलुक ऑन स्मॉल कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स के बारे में किस प्रकार का आउटलुक है, इसके प्रति मैं अपने विचार आपसे शेयर करूंगी। थर्ड, व्हाट शुड इन्वेस्टर्स डू, और अब यहां से आगे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह चार्ट निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स का है और यह एक डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में आप देख सकते हैं कि 24 मार्च 2020 को एक लो बना था 3202 का और 16 अप्रैल 2020 को इंडेक्स क्लोज हुआ है 3958 पर। इन 24 दिनों में स्मॉल कैप 100 इंडेक्स ने 23.61% का गेन दिखाया है। अगर हम वीकली चार्ट की बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स पिछले 3 हफ्ते से धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। यह एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। अब मैं आपसे शेयर करूंगी कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में मेरा क्या आउटलुक है। जैसा कि हम पिछले चार्ट से देख सकते हैं कि हमें अपवर्ड मूवमेंट के स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस मिल रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स यहां से एक तेज़ी की चाल पकड़ रहा है, पर क्या यह एक बुल रन का इंडिकेशन है, यह कहना अभी भी एक जल्दबाजी होगा, क्योंकि जिस तरह से कोविड-19 का कहर जारी है और हमारी इकनॉमी पर इसका असर होने वाला है, तो यह कहना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगा कि स्मॉल कैप इंडेक्स ने एक बुल रन स्टार्ट कर दिया है। इसलिए हमें अभी धैर्य रखना होगा और इस इंडेक्स को ऑब्ज़र्व करना होगा। यह इंडेक्स यहाँ से नीचे जाने की भी गुंजाइश रखता है, मगर डाउनसाइड काफ़ी कैप है। अब हम यह चर्चा करेंगे कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, मस्ट स्टॉप सिप, क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स पिछले 2 सालों से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में बहुत भारी गिरावट देख चुके हैं और लगातार नीचे के स्तर पे वो खरीदते चले आ रहे हैं, इसलिए अब उन्हें अपनी सिप को बंद कर देना चाहिए। जस्ट सिट बैक एंड ऑब्जर्व, उन्हें अब आराम से बैठ कर देखना चाहिए कि किस तरह से स्मॉल कैप इंडेक्स और उनका म्यूचुअल फंड बिहेव कर रहे हैं। यह इसलिए ज़रूरी है कि पिछले 2 से 3 सालों में जितने भी इन्वेस्टर्स ने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया है, उनके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं और वो बहुत ही कंफ्यूजन भरी स्टेट में हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम अपने और ज़्यादा पैसे को अब रिस्क पर ना लगाएं और हम ये ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करें कि इतने लोअर लेवल पर आने के बाद अब क्या हो रहा है। थर्ड पॉइंट, इट मे टेक अ लिटिल लॉन्गर, 1 or 2 years और मे बी लेस देन 6 months। मेरा यह विचार है कि हो सकता है स्मॉल कैप इंडेक्स अपना बुल रन दिखाने में 1 से 2 साल भी लगा सकता है, या फिर 6 महीने में भी ये बहुत ज़्यादा तेज़ी पकड़ सकता है, मगर अभी गारंटी से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फोर्थ पॉइंट, रिडीम फंड सिस्टमेटिकली व्हेन बुल रन रीचेस अ डिसेंट लेवल। आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि जब भी आपका म्यूचुअल फंड एक डिसेंट लेवल पर पहुँचे और आपको एक अच्छे रिटर्न्स मिलने लगे, तब आप धीरे धीरे इन फंड्स को रिडीम करना शुरू कर दें। फिफ्थ पॉइंट, जो बहुत ही ज़रूरी है, डोंट बी टू ग्रीडी। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में कभी भी आपको बहुत ज़्यादा लालच नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि यह फंड जितनी तेज़ी से ऊपर चढ़ता है उतनी ही तेज़ी से नीचे भी गिरता है। आपको
यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि जब म्यूचुअल फंड्स मेरे को सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा तभी मैं अपने फंड्स रिडीम करूँगा, बिकॉज उस हाई पॉइंट को कैच कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए एक डिसेंट रिटर्न के बाद धीरे धीरे अपने फंड्स को रिडीम करते रहिए ताकि आपको एक अच्छा मुनाफा मिल सके और आपने पिछले 2 से 3 सालों में जो गिरते हुए इंडेक्स में अपना पैसा लगाया है उसका आपको एक बेहतरीन फल मिल सके। इस वीडियो में बताए गए सभी विचार मेरे अपने हैं। आप अपने लेवल पर इसको स्टडी करिए, अपने एडवाइज़र से बात करिए और सोच समझकर एक निर्णय लीजिए। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया है तो इस वीडियो को मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।